So I have these papers with me. These are the data collection papers. And as you all know that these are the essential papers for the research work. And many of you are not aware of the basic things about the research and the things about it. एक रिसर्च के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स से भी ज्यादा जरूरी है कि उस रिसर्च को किस तरीके से मोनेटाइज किया जाए और उसको किस तरीके से लीड किया जाए, ना सिर्फ अपने करिकुलम के लिए बल्कि अपनी सीवी इम्प्रूवमेंट में, या फिर आप सोसाइटी के अंदर बाकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन लाना चाहते हैं तो रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। G60 मुस्लिम एक्सपर्ट्स की तरफ से एक रिसर्च फोरम लॉन्च हुआ है जिसमें आप लोगों के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं। उसमें आप हेडशिप या डिप्टी हेडशिप या डिफरेंट पार्ट जिस तरह से पब्लिकेशन हेड है या फाइनेंस हेड है उसमें अपना रोल सिलेक्ट कर सकते हैं और इन सब रोल्स में आपको ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा बल्कि पीयर रिव्यूड एक्सपीरियंस और उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने G60 मुस्लिम एक्सपर्ट्स में अभी तक काफी रिसर्चेस पब्लिश कर ली हैं और हमारा प्लान ये है कि हम एकेडमिक लेवल के ऊपर इस्लामिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करें और इसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस गूगल फॉर्म के थ्रू।